नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों, यह साल 2021 का अंतिम चंद्र ग्रहण जल्दी लगने वाला है। ज्योतिष अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। नवम्बर माह में लगने वाला यह ग्रहण 19 नवम्बर शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा और वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में लगेगा, इसलिए यह ग्रहण महत्वपूर्ण होगा। हालांकि यह आंशिक चंद्रग्रहण होगा जो भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए दिखाई देगा, जिस कारण इसका सूतक मान नहीं होगा। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा में लगने जा रहे साल के अंतिम चंद्रग्रहण की सही तिथि, सूतक काल का सही समय और इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं चंद्रग्रहण कहाँ दिखाई देगा, सूतक काल। तो दोस्तों, साल का दूसरा व अंतिम चंद्रग्रहण 19 नवंबर 2021 शुक्रवार के दिन लगेगा। साथ ही आपको बताएं चंद्रग्रहण प्रारंभ होने का समय होगा दोपहर 11:34 से शाम 5:33 तक दिखाई देगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस ग्रहण का सूतक मान नहीं होगा। सूतक काल तभी प्रभावी माना जाता है जब पूर्व ग्रहण की स्थिति बने। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं कि साल का दूसरा व अंतिम चंद्रग्रहण अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानियां, आप क्या करें और क्या नहीं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे ग्रहण काल के दौरान आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, हालांकि आपको घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ग्रहण काल में किसी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, इसलिए ग्रहण काल में किसी भी मंदिर में आप प्रवेश ना करें और ना ही घर के मंदिर में आपको पूजा करनी चाहिए। ग्रहण काल के समय पूजा स्थल को किसी पर्दे से आपको ढक देना चाहिए। ग्रहण का सूतक काल लगते ही घर में ना तो भोजन पकाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में बीमार, बूढ़े और बच्चों को इसकी कोई मना नहीं है। साथ ही साथ आपको बताएं चंद्र ग्रहण के दौरान विशेषकर गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए, ताकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी उन्हें प्रभावित ना कर सके। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान लेटना या हाथ पर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। ग्रहण के समय सोना भी वर्जित माना जाता है। ग्रहण को अंधकार का सूचक माना जाता है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान बाल काटना, नाखून, दाढ़ी मूछ, घर में कलह और गुस्सा, इस तरह के काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं शास्त्रों के अनुसार ग्रहण लगने से पहले खाने पीने की चीजों में आपको तुलसी जी का पत्ता डाल देना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान और लगातार मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर घर को अच्छी तरह से शुद्ध कर लेना चाहिए। खासकर ग्रहण काल के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद गेहूं, दाल, चावल, जौ और गुड़ जैसी चीजों आप दान करें, इससे आपके जीवन में संपन्नता आती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।